रामगढ़ नाम के गांव में रामकृष्ण नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें चार बेटियां थी, रमा, शीला, मीना और राधा। चारों दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उनके जैसा रामगढ़ में कोई नहीं था। लेकिन रामगढ़ में लड़कियों को सिखाना मतलब एक बहुत बुरी बात मानी जाती थी। उन्हें दूसरों का धन समझकर सिर्फ चूल्हा चौका ही सिखाया जाता था। रामकृष्ण की बेटियां बहुत बहादुर थी और वो उन चारों को भी अपना बेटा समझता था। एक दिन रामकृष्ण और उसकी पत्नी मीरा अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। रामकृष्ण अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन घर में एक बार ये बात उठाते ही बहुत बड़ा बवाल मच गया था। तो रामकृष्ण ने ये बात वहीं पर दबा दी और वो घर वाले जैसे कह रहे थे वैसे ही कर रहा था। एक दिन अपनी चारों बेटियों से वे बातें कर रहे थे। बातों बातों में रमा अपने पिताजी से, पिताजी क्या आप मुझे तैरना सिखाएंगे? मैं तैरना सीखना चाहती हूँ। मैं जब भी किसी को तैरते हुए देखती हूँ तो मेरा भी मन होता है कि मैं भी एक मछली की तरह पानी में तैरूं। अच्छा, तुम्हें पानी में तैरना है? तभी उसकी छोटी बेटी राधा, पिताजी मैं तो पानी से बहुत डरती हूँ और मुझे तो सिर्फ सजना सवरना पसंद है। तभी मीना राधा की बातें सुनकर अपने पिताजी से, पिताजी क्या आपको पता है 15 दिन पहले रामू काका की बेटी संगीता की शादी हुई थी और सब उसे बोल रहे थे कि कितनी सुंदर सजी है। वो राधा ने ही उसे सजाया था। राधा बड़े अच्छे से सबको सजाती है। तभी रामकृष्ण आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और, क्या सच में राधा तुमने उसे सजाया था? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं पिताजी, वो हम सबने मिलकर उसे चुपके से सजा दिया था। ये बात सिर्फ माँ को पता है। रामकृष्ण लंबी सांस छोड़ता है और अपनी बेटियों से, बच्चियों तुम्हें जो चाहे वो करो, लेकिन घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम सब मेरी जान हो। अगर तुम लोगों को कोई कुछ कहे तो मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे बहुत दुख होता है। हाँ पिताजी, पिताजी आपको पता है मीना दीदी ने रमेश भाई के मोबाइल में से कुछ खाना बनाने के व्यंजन देखकर एक अलग ही डिश बनाई थी। वो दिखने में बड़ी सुंदर थी और उसका स्वाद, वो तो वाह रे वाह, बहुत ही अच्छा था। रमेश उनके चाचा का बेटा है जो शहर में पढ़ता है और वो जब भी छुट्टियों में घर आता है तो मीना ही उसे अलग अलग डिश बनाकर खाना खिलाती है। तभी रामकृष्ण शीला से, अरे शीला बेटी, सबने कुछ ना कुछ अपने बारे में बताया, तुम भी तो बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। ऐसा कहते ही रामकृष्ण की पत्नी सुनंदा रामकृष्ण के लिए दूध लाते हुए, उसे तो सिर्फ बातें बनाना अच्छा लगता है और अपनी बातों बातों में सबसे काम करवा लेती है वो अपना। सुनंदा के ऐसे कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते है। अब रामकृष्ण दूध पीकर सोने चला जाता है, लेकिन अपनी बेटियों की ख्वाहिश सुनकर वो रात भर सो ही नहीं पाता। सुबह उठते ही वो सोच लेता है कि अब भले ही देर हो चुकी है, लेकिन वो अब अपनी बेटियों को सिखाएगा। जो वो चाहती है वो सिखाएगा, उनकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। वो थोड़ा सा गुस्सा अपने चेहरे पर लाकर, रमा आज से तू हमारे साथ खेतों में चलेगी और साथ में अपने कपड़े भी लेना। रमा और सुनंदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से पिताजी को क्या हुआ है। फिर रामकृष्ण, सुनंदा और रमा तीनों भी खेत में चले जाते हैं। रामकृष्ण के खेत के पास में ही एक बड़ी सी नदी बहती थी। वह जाते ही रामकृष्ण अपनी बेटी से, अरे ये क्या उदास होकर क्यों बैठी हो बेटी, चलो तुम्हें तैरना नहीं सीखना। ये सुनते ही रमा बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी को तैरना सिखाता है। शुरुआत में उसे नहीं आता, लेकिन 2-3 दिन में ही रमा तैरना सीख जाती है। अब रमा बहुत तेज तैरने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब रामकृष्ण घर वालों से चोरी छुपे मीना को मोबाइल खरीद कर देता है, जिससे वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना सीखती है। और शीला भी अपने बातें बनाने की आदत को अपना प्रोफेशन बनाने की सोच लेती है और यूट्यूब के जरिए मार्केटिंग कैसी की जाती है ये सीख लेती है। इसी पर राधा भी मेकअप करना सीख लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से एक दिन खेतों में काम करते वक्त रामकृष्ण और सुनंदा को जहरीले सांप ने काट लिया और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सुनते ही चारों बहनों पर जैसे पहाड़ गिर जाता है। वो चारों बहनें बहुत रोती है। अब चारों बहनें अपने चाचा सुरेश, चाची रत्ना और दादा दादी के साथ रहने लगे। वो जैसे कहे वैसे ही करते थे और घर के सारे काम भी वही करती थी। एक दिन उनकी चाची की माँ घर आती है
और चाची रमा से, रमा जरा पानी तो लेकर आना, देखो नानी आई है। तभी रत्ना की माँ रत्ना से, रत्ना ये सब क्या हो रहा है, तुम उसे इतने लाड़ प्यार से क्यों बुला रही हो? तुम्हें पता भी है एक लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है, और तुम्हारी जेठानी तुम्हारे लिए चार चार लड़कियां छोड़ गई है पीछे। देख मेरा कहा मान तो अब से ही उनकी शादी किसी गरीब घर में करवा देना शुरू कर, ताकि किसी पर पैसे खर्च ना करने पड़े। माँ ये क्या कह रही हो आप? अरे तेरा दिमाग है या माचिस की डिब्बी, अपने बेटे के बारे में तो सोच, उसके लिए भी कुछ बचाएगी या सारा इन्हीं चारों पर लुटा देगी? ये सारी बातें रमा सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप पानी देकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहनों को सारी बात रोते हुए बताती है। अपनी माँ की बातें सुनकर चाची भी अब उन चारों से बुरा बर्ताव करने लगती है और गांव के ही एक गरीब घर के लड़के से रमा की शादी तय कर देती है। रमा की शादी के लिए घर वालों को भी चाची ही मनाती है। ये सारी बातें शीला सुन लेती है और रात के समय अपनी बहनों से, शीला दीदी हमारे पिताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आज वो वक्त आ चुका है कि हमें निडरता से अब कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो हमारे पिताजी की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दीदी अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है और लड़कियों की इस दुनिया में क्या जगह है ये सबको दिखाना है, तो हमें ये घर छोड़ना ही होगा। क्या शीला तुम पागल तो नहीं हो गई? ये क्या बात हुई? दीदी तो क्या जिंदगी भर लोगों के ताने खाते जीना चाहती हो? और ऊपर से शादी के बाद अगर लड़की हुई तो फिर से ससुराल वालों के ताने सुनो। हम आज और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और हाँ अगर आप नहीं आना चाहती तो भी हम आपको यहाँ से उठा कर लेकर जाएंगे, आप हमारे माँ पिताजी हो, समझी? शीला निडर और बोलने में बड़ी ही शातिर थी, तो अपनी बहन रमा को वो मना लेती है और अब चारों बहनें मिलकर एक चिट्ठी अपने दादा दादी के लिए लिखकर वहाँ से चली जाती है। उस चिट्ठी में वो लिखती है, दादाजी हमें माफ कर देना, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। चाची ने रमा की शादी किसी गरीब घर में पक्की की है, आज हमारे पिताजी होते तो वो ऐसा कभी नहीं होने देते। अब हम हमारे माँ पिताजी की यादें और उन्होंने दी शिक्षा की पूंजी और थोड़े पैसे लेकर यहाँ से जा रहे हैं। पैसे जमा होते ही हम वापस भेज देंगे, हमारी चिंता ना करें, हम चारों एक साथ हैं। अब चारों बहनें शहर में चली जाती है और राधा वहाँ पर अपना खुद का पार्लर खोल देती है। रमा स्विमिंग कोच का काम शुरू करती है, मीना मेज चला रही थी, साथ ही यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करती है, और शीला भी एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की काम करती है। दो तीन साल में ही वो चारों एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है और अब वो एक प्रतिष्ठित लड़कियां बन चुकी थी। गांव से शहर में पढ़ने गए बच्चों से दादा दादी अपने पोतियों की तारीफ सुनते हैं और साथ ही उनके अच्छे काम की खबर भी अखबार में छपती है। अपनी पोतियों की तारीफ सुनकर और अखबार में खबर पढ़कर वो शहर में चले जाते हैं। वहां पर जाकर उनका बड़ा घर, नौकर चाकर देखकर वो हैरान हो जाते हैं और फिर दादाजी और चाची उनसे माफी मांगते हैं। नहीं दादाजी, चाची जी आप हमसे माफी मत मांगिए, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन हाँ मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं होती, अगर वो ठान ले तो पूरी दुनिया उसके कदमों के सामने झुक जाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर घर की लक्ष्मी पढ़ी लिखी हो तो वो पूरे घर को सुसंस्कृत बना देती है। बहुत साल पहले की बात है, वनश्री नाम की लड़की अपने माँ पापा के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। उसके माँ पापा के साथ वो बहुत खुश थी, उसके पिताजी शहर में अच्छी कमाई कर लेते थे और इसीलिए उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा था। अचानक से एक दिन वनश्री अपने माता पिता के साथ उसके दोस्त के घर जाने लगती है, तभी हाईवे पर उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वनश्री के माता पिता गुजर जाते हैं। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वनश्री अपने चाचा चाची श्याम और रमा के साथ भोलापुर गाँव में रहने आ जाती है। वनश्री आज से तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम सिर्फ हमारे साथ रहोगी, अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना बेटी, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। वनश्री रोते हुए, जी चाचा जी। वनश्री बहुत दुखी है, अपने माता पिता की बहुत याद करती है। कुछ दिन बीतने के बाद वनश्री की चाची वनश्री से, अरे ओ महारानी अब बस भी कर, कितने दिनों तक ये लटका मुँह रखेगी, बहुत हो चुका मुफ्त की रोटियां तोड़ना, घर का काम क्या मैं अकेली करती रहूं? आज से ये सारा काम तुम ही करोगी, समझी? जी चाची, कहिए क्या काम करना है? देखो तो
क्या कह रही है, क्या काम करना है? अरे अब घर के सारे काम करने के लिए क्या तुम्हारे माता पिता आएंगे? बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई, पोछा लगाना, खाना बनाना, आज से सब कुछ तुम्हें करना है। और एक बात याद रखना, रानी के फेंके हुए कपड़े जमा कर लेना अपने लिए। तुम्हारे माँ बाप कोई सोने का घड़ा नहीं छोड़ गए तुम्हारे लिए। वनश्री को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी चाची का बर्ताव अचानक से कैसे बदल गया और वो उसे इतनी बुरे तरह से क्यों बात कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वनश्री अब घर के सारे काम करना शुरू करती है। अपना काम पूरा करके वो घर के बाहर एक बहुत बड़ा और सुंदर आम का पेड़ था जहाँ बैठा करती थी। धीरे धीरे वनश्री बड़ी हो रही थी और सुंदर भी। अपना सारा काम करके एक दिन वनश्री चित्र बना रही थी, तभी रानी जो उसकी चचेरी बहन थी वो वनश्री के पास जाती है और उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। रानी हमेशा खुद को सुंदर और बहुत ज़्यादा होशियार समझती थी। रानी वनश्री का चित्र देखकर उसे फाड़ देती है और जब उसकी माँ रमा घर वापस आती है तो रानी नाटक शुरू कर देती है। आ आ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने वनश्री को कितनी बार बोला कि मुझे खाने के लिए दे दो। क्या अभी तक खाना नहीं बना? रुको अभी देखती हूँ उसे। अरे ओ वनश्री की बच्ची, कहाँ मर गई है? कितनी देर हो रही है अभी तक खाना नहीं बना? मेरी बेटी को तो देखो कितनी मुरझा गई है, खुद तो अच्छा खासा खा लेती है। उस दिन रमा वनश्री को बहुत पीटती है और दो दिन तक उसे भूखा रहने की सजा देती है। ये देख रानी मन ही मन खुश हो जाती है। वनश्री रोते रोते आम के पेड़ के नीचे जा बैठती है जहाँ वो हमेशा से बैठा करती थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। वनश्री को अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है। हर वो दिन जो उसने उनके साथ बिताए वो सब उसे याद आने लगता है। तभी अचानक से उसके चारों ओर रोशनी बढ़ने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी एक आवाज सुनाई देती है। वनश्री, वनश्री, हर रोज तो तुम मेरे पास आकर बैठती हो, घबरा क्यों रही हो बेटी, पीछे देखो। वनश्री जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पेड़ को दो आंखें और मुंह नजर आता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और पेड़ की तरफ देखती ही रह जाती है। क्या हुआ वनश्री, आज तुम बहुत ज्यादा उदास हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी चाची ने मुझे बाहर निकल दिया और दो दिन तक मुझे भूखा रहने की सजा दी है। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ से तुम्हें हर रोज देखता हूँ, पूरा दिन काम करके थकती हो लेकिन मुझे पानी डालना और यहाँ साफ सफाई करना तुम कभी नहीं भूलती। अगर कोई भूखा आए तो खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाती हो। तुम्हारा काम और दूसरों के लिए अच्छे विचार देखकर मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा मुझसे बातें कर सकती हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बोल देना। उस दिन से वनश्री कोई भी बात हो उस जादुई चमत्कारी पेड़ से करती थी। एक दिन रमा ने अपने घर में रानी के जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। उसी दिन वनश्री का भी जन्मदिन था, लेकिन पार्टी में खाने की सारी तैयारियां वनश्री को करनी थी। दोनों के जन्मदिन आया, रानी तैयार होने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? मेरी बेटी तो बिल्कुल शहजादी लग रही है। उसी वक्त वनश्री वहाँ आ जाती है और अपनी चाची से, चाची मुझे भी कोई अच्छी सी ड्रेस दिला दो ना, आज मेरा भी जन्मदिन है, आज बहुत सारे मेहमान आएंगे, मेरी ड्रेस बहुत खराब है। माँ देखो ना, ये हमेशा ऐसे ही करती है, हमेशा मेरी बराबरी करना चाहती है। तुम्हें क्या जरूरत है अच्छे कपड़े पहनने की? जन्मदिन तो मेरी बेटी का है। और एक बात ध्यान में रखना, आज तुम किसी के सामने नहीं आओगी, बाहर पीछे ही रहना। चाची आज तो मेरा भी। तभी रमा उसे धक्का देकर निकाल देती है और उसे 100 लोगों का खाना बनाने के लिए बोलती है। वनश्री इतने कम वक्त में इतना सब कैसे होगा ये सब सोचकर घबरा जाती है। तभी उसे पेड़ की बातें याद आती है और वनश्री पेड़ के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है। अरे इतनी सी बात, 100 लोगों का ही खाना बनाना है ना तुम्हें, जरा अपने घर के अंदर जाकर देखो। अंदर जाकर वनश्री देखती है तो सारा खाना तैयार था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है।
वो बाहर आकर हाथ जोड़कर पेड़ का धन्यवाद करती है। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है और वनश्री से, अरे ओ लड़की, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ चाची, बस हो गया। रमा सारा खाना बना देखकर चकित हो जाती है और वो पार्टी में चली जाती है। सभी लोग खाना खाते वक्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देख वनश्री बहुत खुश हो जाती है। ये सब बातें वनश्री जाकर चमत्कारी पेड़ को बताती है। तभी पेड़ वनश्री से, हैप्पी बर्थडे वनश्री। वनश्री बहुत खुश हो जाती है और पेड़ को गले लगा लेती है, क्योंकि बहुत सालों बाद उसे किसी ने बर्थडे विश किया था। बेटी, क्या तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? नहीं, मुझे चाची ने अंदर आने से मना किया है, और वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है जो मैं पहनकर पार्टी में जाऊँ। तुम एक काम करो, हाथ उठाकर मेरे कुछ पत्ते तोड़ो। आंगन में जितने भी पेड़ है, उन पेड़ों के तुम्हें जो भी फूल पसंद आए वो तोड़ लाओ। वनश्री के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। उसे तोड़कर वनश्री पेड़ के पास लेकर आती है, और चमत्कारी पेड़ उन सभी चीजों से वनश्री के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनाता है, जिसे पहनकर वनश्री बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। इतना ही नहीं, उस चमत्कारी पेड़ ने उसे उसके माता पिता से भी बात करवाई। बेटी, कैसी हो तुम? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटी, तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वनश्री आज बहुत खुश थी। वनश्री चमत्कारी पेड़ के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर रमन आ जाता है। रमन एक बहुत ही सुंदर, सीधा साधा, सुशील और अमीर व्यक्ति था। वो वनश्री की ओर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसी वक्त वनश्री का ध्यान रमन की तरफ जाता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे सुनो सुनो तो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी तो अंदर चल रही है। वनश्री चुपके से रमन को देखती है। रमन उसे फिर से आवाज लगाता है, कौन हो तुम? बाहर आओ, चलो मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वनश्री है। जादुई पेड़ वनश्री को रमन के सामने लाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। वनश्री रमन के साथ अंदर चली जाती है और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। रमन बातों बातों में उसकी सारी बातें जान लेता है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रमन अपने माता पिता के साथ रानी के घर आता है। अरे प्रीतम भाई साहब, आइए आइए, आज अचानक कैसे आना हुआ? श्याम जी, कल की पार्टी तो बहुत अच्छी थी, और उससे अच्छी बात ये है कि हमारे रमन को आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर आपके यहाँ आए हैं। ये सब सुनते ही रानी और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और रमा रानी को अच्छे से तैयार करके बाहर लाती है। रानी हमारी बहुत ही लाडली बेटी है। रानी बिटिया, यहाँ आओ। नहीं पिताजी, मुझे जो लड़की पसंद है वो रानी नहीं, वनश्री है, जो कि रानी की चचेरी बहन है। अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से करूँगा। रमन की सारी बातें सुनकर रानी को वनश्री पर बहुत गुस्सा आता है। श्याम और रमा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमा सोचती है कि वनश्री तो उस पार्टी में थी ही नहीं। रमा ये बात बताने की कोशिश करती है। नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि कल रात तो वनश्री पार्टी में थी ही नहीं और आज भी यहाँ नहीं है। वनश्री ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है। तभी रमा की माँ का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो उसे बाहर लेकर आती है। कितनी सुंदर है ये। क्या भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि वनश्री घर पर ही नहीं है, तो ये कौन है? जाने दीजिए, अब हमारे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ वनश्री के साथ ही होगी। रमन का परिवार उस गांव का सबसे अमीर खानदान था, और इसी कारण श्याम और रमा उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। शादी पक्की करके रमन का परिवार वहां से चला जाता है और रानी जोर जोर से रोने लगती है। तभी रमा वनश्री को बहुत पीटती है। कल तुझे कहा था ना कि तू घर में कहीं नहीं दिखनी चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, मेरी बच्ची को रुला दिया ना तुमने। वनश्री रोते हुए पेड़ के नीचे चली जाती है और वो पेड़ को सारी बातें बताने लगती है। उसके चाचा चाची के बर्ताव से वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसे एक अच्छी राहत भी मिली थी, क्योंकि उसकी शादी मनचाहे लड़के से होने वाली थी। कुछ ही दिनों में वनश्री और रमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वनश्री पेड़ से मिलने जाती है। तभी पेड़ वनश्री से, वनश्री खुश रहो, और एक बात, आज तुम अपने साथ मेरी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर जाओ,
जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो उन लकड़ियों से बोलो, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। वनश्री जादुई पेड़ की कुछ सूखी लकड़ियां लेकर अपने ससुराल जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।